कोई वजूद ही नहीं है तुम्हारा इसका रहा था मौलान मोहम्मद ने भी बार ये कहा भी, भी और इसका असर देखिए देखिए दरख्त अपने पत्ते के साथ जुड़ा रहता है तो हरा सरसब्ज रहता है शादाब रहता है पत्ता अगर दर से शाख से कट के गिर जाए सूख जाएगा रायबन वालों को अभी भी होश आ जाना चाहिए अभी इतना बड़े इज्तेम हुआ उनका दो बड़े इज्तेम जो साल में होते तो उसमें एक ही है लेकिन बैरून के लोग कहाँ थे उसमें जब भी हम जाते हैं बड़ी रौनक होती थी सैकड़ों हज़ारों बैरूनी दुनिया के अफ्रीके ममालिकरब इंडोनेशिया मलेशिया इस फार के और अमरीका यूरोप के दुनिया भर के हज़ारों एक रौनक होती थी अब वो लोग परेशान है जो इंतज़ाम करते थे बैरून वालों का गिनती के दर्जन भर लोग हा? वो भी आवाम के साथ खा लेते थे कोई इंतज़ाम क्यों कि भाई मरकज के साथ आपने ताल्लुक कमज़ोर कर दिया है इसका नुकसान शुरू हो गया है अभी भी होश में आना चाहिए रावण में जो लोग बल्कि हमारे हाजी साहब ने हाजी बोस्तान ने यह तजवीज़ बार बार भेजी है कि भाई जो इंतशार उसका हाल एक ही है कि दो आदमी हैं पुराने भाई अब्दुल हाफ़ साहब हैं हाजी साहब हैं दामद बरकतों और बाला साद हैं दामद बरकतों दोनों को किसी एक जगह एक दो दिन के जमा कर दो जो कहेंगे सबको मंजूर होगा कोई मुशीर नहीं चाहिए कोई एडवाइजर नहीं चाहिए कोई सलाहकार नहीं चाहिए बीच में या तो इंडिया में पहुंच जाइए या दुबई में आ जाए क्योंकि रायमन में मौलाना साहद के जान को खतरा है वहां के हालात मैं जानता हूं हर एक के पास कलाम्शन कौफ है किसी को दो चार लाख रुपए दो तस्वीर बता दो इस आदमी को उड़ाना है मौलाना साहब का भी जाना भी नहीं चाहिए वहां पर हाँ अगर है तो फिर और इंतजाम किया जाता है तरावनपिंडी में सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ ली जाते जाती ली जा सकती है ऐसे हैं लोग वहां बात हो और वहां से डार्क उनको जहाज में बिठा दिया जाए क्योंकि एक ग्रुप है कि मौलाना साहब को दहली में भी कत्ल करने की कोशिशें हो चुकी हैं और वे चाहते हैं इसको रोड़ा कि हमारी मनमानी के लिए मौलाना साहब जब तक होंगे मनमानी नहीं कर सकेंगे हम बहरहाल ये तबलीग मसले मेरी बात जरा तवील हो गई है तो मार्ज कर रहा था कि इस वक्त में हिंदुस्तान का जो सफर है अलहमद अलमा मशाइ से भी मिलना हुआ दारालम में भी जाना हुआ जब मैं नदवा में गया इतफाक़ से इलेक्शन हो रहे थे लखनऊ में बहुत सारा इस ग्राम जो है वो शहर से आते हैं नदवा में पढ़ाने के लिए इसलिए छुट्टी थी सारे काबरिन फारिग थे ना उनको सबक पढ़ाना था ना और दूसरा काम काज थे घंटों बात रही मेरे मौलाना रब अहमद बुरकात हूँ मौलाना वाजे मौलाना डॉक्टर सैदर आमद बुरकते हूँ मौलाना नजरुल नजरफीज़ साहब मौलाना शमसूल हक़ हाँ साहब मौलाना अतीक सबसे घंटों सारे दिन ये मश्रफे दो दिन और बिल्तफाक सब ने कहा वहा राव ने भी कहा कि हम दिन रात मौलाना साद के लिए दुआ मांग रहे हैं वो काबिल हैं अहल हैं मुस्तक हैं अहलियत रखते हैं और हकदार भी हैं मैंने देखा नदवा में जो इन्होंने शोर मचा रखा उनत हदीस के खिलाफ वही बड़ी जाती असर के बाद पूरा नदवा पूरा हसनी खानदान महमूद हसनी से लेकर भाजरत मौलाना रावे तक सब मुतफिक है मौना साहब के हिमात में <coughs> हाँ एक हमारे मौलाना सलमान है <coughs> उनका एक अपनी राय है मेरे बहस भी उनसे उनके अपने दफ्तर में दर्जन भर लोग मौजूद थे काफी और बाद में उनमें कई आदमियों का बहुत अच्छा किया आपने मौलान से और तो हमें तो किसी में जरूरत नहीं है मौलाना से बात करें बहस करें इस मसले पर लेकिन बहुत अच्छा किया आपने बात की इसलिए कि मौलाना का जो मौक़ है छूरा वालों के साथ का कहीं तबलीग वाले नदवा अपने मुखाल इसमें समझने लगे इसकी वजह से उनके अपने राय तफरुद है उनका उसके अहतराम हम करते हैं उनके राय का लेकिन उनका तफवरु है नदवा का नहीं है ये मौकफ़ बल्कि मौलाना महमूद हसनी ने मुझे ये कहा के बहुत अच्छा किया आपने बात की मैं कई बार अर्ज कर चुका हूँ हजरत से कि आप जब दिल्ली जाए तो दो चार मिनट मौलाना साथ से मिल लिया करें यह दूरी ख़त्म करें तो बहरहाल मौलाना का एक अपना तफरुद है और वजूहत हैं उसकी यहाँ भी मौका नहीं उसके उन पर बात करने का लेकिन बाक़ी पूरा नदबा इस तरह हर जगह मैं जब खान मैं गया मैं हर साल जाता हूँ देखो हजरत राय पूरी है बड़े हजरत राय देखिए हजरत इमाम रब्बानी हजरत गंगोही थे असल जिनसे सारे सिलसिले आगे बढ़े हजरत शाहुल्ला के बाद ये हस्ती थी उनके जानशीन दो थे एक अमली मैदान के हफरत शेखुल हिंद रमत महमूद हसन देव मंदिर और रुहानी मैदान के हजरत रायपुर शाह आब्दुलरहम रायपुर रमत जब हबरत शेखुल हिंद रमत सफर हो रहा था हिजरत का जब वो रेशम की तहरीक ओपन हो गई थी और जासूसों ने गवर्नमेंट को बता दिया था, था गवर्नमेंट को तो मजहरलो में एक बड़ा मशवरा हुआ बड़ा मशवरा हुआ उसमें यह बात हबरत शेख उलिन ने फरमाई मेरे बात में गैर मौजूदगी में मेरे, मेरे मेरे काम के सारे जिम्मेदार हजरत रायपुरी होंगे तमाम अकाबर मुफ्ती कीफातुल्लाह मुफ्ती आजम और हज़रत अल्लाह माना कश्मीरी मौना शेब शबीर ऊस्मानी रहमत सब रायपुर से वाबस्ता हो गए दहली के बाद जो मरकज सराथ बना था उसके बाद गंगो बना था उसके बाद चौथा मरकज रायपुर बना था तो गोया हवरत गंगोई के रूहान जानशीन हजरत रायपुर ही थे देखिए रायपुर में आज भी वो सिफत है देखिए तीन चीज़ हबरात इस्लाम और उनके तबइन जो माहौल बनाते थे दिन का उसमें तीनों चीज होती थी सही इल्म भी होता था शरीयत का सही उलू, उलूम शरीयत भी और तकवा और सिफत एहसान भी होती थी और जिहाद का जज्बा दीन के ये तीनों बातें आज आपको रायपुर में मिलेगी ये तीनों मजबूत हैं एक दूसरे के साथ कि उलूम शरीयत भी हो तकवा और खुदा का ताल्लुक और एहसान भी सिफत एहसान भी हो और गलब दीन की फिक्र भी हो ये बातें आपको रायपुर ही सिलसिले में आज भी मिलेगी वरना कहीं पर अगर इल्म है शरीयत का तो वहां पर तरबियत न दारद तरबियत है तो गलब दीन की फिक्र न दारद और इन तीनों को यज्जा किए बगैर वो माहौल बनी नहीं सकता में इस्लाम बनाना चाहते थे तो कर रहा था मैं जाता हूं तो हर साल रायपुर में भी रात गुजारता हूं दूसरे एक संसारपुर में मुफ्ती मुकर्रम है दामद बरकातम हजरत रायपुर खलीफा तीसरे मुफ्ती अब्दुल गनी है बादशाह बाग में रायपुर से दोनों हजरा बीस पच्चीस मील के फासले पर है किलोमीटर के फासले पर बीस पच्चीस अब तकरीबन नबे सौ के दरमियान उम्र है मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी रहा की दामद बरकातुम की मैंने देखा कि वहां पर रोज़ाना कितने लोग आकर मुसलमान हो रहे हैं सिख हैं गैर मुस्लिम हैं और पहाड़ों में कहाँ कहाँ इदारे काम करते जा रहे हैं और तीनों जगह पर इन्होंने आज की मीडियम इंग्लिश और बड़ी आज की है कायम कर रखी असली स्कूल है तो मैं जब वहाँ गया तो इस वक्त में मुफ्ती अब्दुल अब्दुल्कम दामद बरकातुम जिम्मेदार हैं वहाँ पर अरसे ऐसे साहब फराश है बोल भी नहीं सकते और नलकी के जरिए से खाना गिर दी, दी जाती है हम तो आठ दस साल से इसी तरह दे, देख रहे हैं उनको उनके जो दामाद हैं मुंशी अतीक साहब वो असल जिम्मेदार हैं वहाँ के उन्होंने फरमाया देखो ये रायपुर में अब तो बड़ा शानदार मेहमान खाना बन गया एयर कंडीशन हर सारी सहूलतों के साथ चार फ्लोर का आप यहाँ ठायरा करें हफ्ता भर यहाँ से आप देवबंद जाएँ सहारनपुर जाएँ मेबाज जाएँ हरियाणा जाए पंजाब जाएँ गाड़ियाँ मौजूद हैं सारी सहूलतें मौजूद हैं और वाकई एक रायपुर ऐसी जगह गैर मुस्लिम भी जाएगा उस एरिया में दाखिल होते सुकून महसूस करेगा एक एक मालूम होता है कि अल्लाह की तरफ से खास रहमत ने घेर लिया है वो अजीब जगह है दाखिल होते से हर इंसान महसूस करेगा और बहुत बड़ी जमीन है सुना के सौ एकड़ करीब होगी उनके पास वसाल की कमी नहीं है तो उन्होंने ये फरमाया कि आप हमारी ख्वाहिश है कि आप यहाँ ठहरा करें तो उस पर मैंने एक बात अर्ज की मैंने एक शर्त लगाई गोया मैंने कहा ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ आंदा जब आऊँ तो हफ्ता यहीं ठहरू और यहीं से सब अतराफ में जाऊँ लेकिन हवरत रायपुर रमत का वो जिंदा होना चाहिए तर्स वो क्या था कि हवरत का खालिश इलमी शौक था हवरत की मजलिस में फजाइल मसाइल किस्से और कहानी नहीं पढ़ी जाती थी इलमी बातें होती थी हज़मला अबूल हसन रहमत मफकर इस्लाम रामतलाल की सारी किताबें पढ़ी गई उनके मजलिस में इमाम गज़ाली की और इमाम इब तैमिया की और फलाँ की और फलाँ की इलमी रिसर्स का शौक था मजब पचहत्तर में यहां पर आया उन्नीस सौ पचहत्तर में भरत के ख, बहुत खलीफ अजल कादिर झाम वाले जो पाकिस्तान के वो यहाँ आए हुए थे बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत थे हसन मुसन्ना को उन्होंने मुसलत किया था बहुत बड़े और उन पर दो साल के अखराजात बारह पंद्रह हज़ार पाउंड खर्च किए थे कि कादियन के बारे में तहकीक करें कादियन का खुद वाशरा का नाम और शाही खानदान का नाम बरतानिया के और इनके कादिया मिर्जा के नाम और क्या मुआवजा उसको मिला और क्या उसने खदमात अंजाम दी वगैरह वगैरह तो यह हबरत रायपुर ने करवाया था तो का आज़ इल्मी जौक बिल्कुल ख़त्म है बड़े बड़े करोड़ों के दारों कतुब खाने बन गए देवबंद सबसे बड़ा हमारे इदार है लेकिन वहां पर कतुब खा खानों में जाइए गिनते के चंद लोग मिलेंगे खाक उड़ रही है सारे कुतुब खानों में जौक की मतलब जिंदा कौमें होती हैं यहां आइए यूरोप में अमरीका में किसी कतुब खाने में बीसों सैकड़ों लोग आपको मुनहबी मुताले में मिलेंगे तो इल्म में जौक और मुताला और का खत्म है इमारतें हैं हमारे बड़े बड़े करोड़ों की इमारतें हैं हाँ बहुत शानदार अब तक तो कुतुब खाने भी हजारों लाखों लाखों के बन रहे हैं किताबें भी लाखों की आ रही हैं लेकिन कौन है उनको पढ़ने वाला और आज के दौर में तो इन कुतुब खानों जरूरत ही नहीं रही डिजिटल लाइब्रेरी बन गई है जुम्मतल माजी जो दुबई में हमारे दोस्त मौलिया हाशिम वहाँ पर हैं यहाँ के इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी की सारी अमेरिका की कनाडा की रशिया की तुर्की की अफरीके मालिक की हिंदुस्तान के छोटे जहाज सारी किताबों का उन्होंने अक्स ले, ले लिया वहाँ पर तो आपको कंप्यूटर पर सारी दुनिया के आपको मिल जाएगी तो मैंने कहा कि लाइब्रेरी आप यहाँ पर वो तो मुझे साहब मेरा बेटा अभी फारिग होकर आ रहा है एक दो महीने में पीएचडी डी करके आ रहा है उनके साथ और फलाखों ला लें आप सरपस्ती कर रहे हैं तौर पर हम रिसर्च काम शुरू करते हैं मैंने कहा मैं तो हाजिर हूं हर वक्त यहां मौलाना नूर हसन राशिद हैं जो बड़ी शख्सियत हैं बर सगीर के इलमी एतबार से बहुत बड़े वर्ज और शख्सियत हैं और उनके वालिद हजरत रायपुर के बहुत बड़े खलीफा हैं तो कह लेकिन वो भी होंगे लेकिन आप भी मैंने कहा ठीक है मैं तो हाजिर हूं तो मैंने गोया ये कहा कि यहाँ पर ये काम होता फिर मैं ठहरूंगा यहाँ पर तो बहरहाल उन्होंने मंजूर किया और मेरा इरादा भी ये है अपने इससे वादे के लिए भाई हमें ज़रूरत है ना की रूहानियत की और दिल की तस्किन की तो बहरहाल एक मैं एक अरसे से जाता हूँ इन तीनों खानखों में जाता हूँ और इन बुजुर्गों में जो शफकतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुझे नाचीज को गोया मेरे हवाले के मैं सब कुछ करूँ वहाँ पर जाकर बहरहाल मर्ज कर रहा था कि यह जो सफ़र था और ये सारी दास्तान इसलिए मैंने सुना दी कि मैं हर एक को फ़ोन पर कहाँ तक सुनाऊँगा अब दोस्तों का फ़ोन आएगा कह दूँगा भाई वो उसमें यूट्यूब पर देख लो सफ़र कैसा रहा अलहमदिल्ला और एक और मसला इस मरतब रहा कि हिंदुस्तान में जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ एक उभारा जा रहा है मुसलमानों को कत्ल आम पर गोया और जब फ़जा बन रही है तो ज़रूरत थी तो वहां के बड़े बड़े शंकराचार्य एक है शंकराचार्य आचार्य ओम कारानंद सरस्वती दहली में से काफ़ी दूर है उनके आश्रम में मैं गया मौलाना शाहीन काश्मीर लेकर गए मुझे उनका बहुत करीबी ताल्लुक़ है वो मौलाना कलीम सिद्दीक के खास लोगों में उनके इदारा चलाते हैं तो उनके आश्रम में जाकर मुलाकात हुई बहुत मोहब्बत से मिले मन अरस क्या देखिए ये सियासी लोग तो अपनी हवस के पूरा करने के लिए अपने मफाद के लिए कुर्सियों पर और माल पर कब्जा करने के लिए इंसानियत को इन्होंने एक बांट रखा है तकसीम कर रखा है बिरादरी के नाम पर ज़ात के नाम पर लड़ा रखा है मजहब के नाम पर लड़ा रखा है ये तो अपना काम कर रहे हैं आप धार्मिक लोग मजहबी लोग का अपना काम कब करेंगे रूहानी पैगाम तो कब भारत को मिलेगा कि सारे इंसान एक खुदा के पैदा किए हुए हैं एक एक इंसान की औलाद है सब भाई भाई हैं मोहब्बत में कब बांटेंगे आप एक होने का पैगाम कब देंगे यहां पर भारत के इंसानों को और उनमें भाईचारा और अच्छे इंसान बने की दावत कब मिलेगी काफी बातें उनसे हुई बहुत खुश हुए और उन्हें फरमाया कि आइंदा जब आएंगे तो हम चाहेंगे कि मुतद जगह पर बड़े बड़े हमारे और मुतद शंकराचार्य भी हों और आप भी हों और ये बात वहां कही जाए और मखलूत मजमा हो हिंदू मुसलमानों का तो मार्ज कर रहा था कि सारा काम करने के हैं और हमें हमने दीन को एक खानों में बस इतना ये जो काम कर रहा है वैसे वही दिन का काम है बाकी दिन का काम है भी तो गैर अहम है ये हमारा जहन बन चुका है सब अहम है सब की जरूरत है दारूमुमों की भी जरूरत है खानकों की भी जरूरत है तबलीग की भी जरूरत है और गैर दावत की भी जरूरत है